समझे कोई जाने तो क्या जाने। कारी साहब ने बयान फरमाया है, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। हजरत मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हयात साहिब दामत बरकातहुल कुदसिया मुजद्दी स्टाफ जामे मस्जिद के खतीब हैं, आप हजरत साहब की जियारत के लिए तशरीफ लाए। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और हजरत मोहतरम, आज की ये खूबसूरत मजलस पाक जो एक अल्लाह के नेक बंदे की जियारत के लिए और इनके कलेमात तैयबात और इरशादात से फैज हासिल करने के लिए सजाई गई है, ताकि इनके वजूद की बरकत से अल्लाह ताला हम पर भी अपनी नजर रहमत फरमा दे। और बहुत सारे लोग अल्लाह वालों का कुर्ब अख्तियार करके इनके फैज की बरकत से अल्लाह ताला का कुर्ब पा जाएं। ये अल्लाह वालों की निगाह का असर होता है कि वो लोग जो अल्लाह के जिक्र से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और नमाजें और मुआमलात को भूल जाते हैं, जो वो अल्लाह के नेक बंदों का कुर्ब इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला उनके मुर्दा दिल में जिंदगी पैदा फरमा देता है और फिर से वो अल्लाह ताला का कुर्ब इख्तियार करके अपनी जिंदगी को राह रास्त पर लगा देता है। हमारे पाकिस्तान में एक दोस्त थे किबला मुफ्ती गुलाम रसूल साहेब, बड़े अजीम आलिम दीन थे, दरस निजामी पढ़ाते लाला मुसा। तो मैं एक दफा उनके पास बैठा था तो मुझे कहने लगे, कारी साहब आप कितना अरसा से लोगों को समझा रहे हैं कि नमाज पढ़ो, कितने लोग नमाजी बने। मैंने कहा हजरत बस कोशिश कर रहे हैं, अजान पढ़ देते हैं जो आज है ठीक है। कहने लगे मैं लोगों को कोई तावीज धागा भी करके देता हूं और दूर दूर से लोग आते हैं और जो सबसे ज्यादा बेनमाजी होता है मैं उसे सबसे ज्यादा सवेरे उठने का टाइम देता हूं। कि जो ज्यादा बेनमाजी हो मैं पहले पूछता हूं नमाज पढ़ते हो, वो कहते हैं नहीं। तो फरमाते हैं अच्छा, कल सुबह 4 बजे तुमने मेरे पास आना है तब तेरा काम होगा। जब वो अपने काम की खातिर मेरे पास आता तो मैं उसे कहता वुजू करो और इतनी देर सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और इतने दिन तुमने ये करना है और ये तावीज लो। अब वो अपने काम के बहाने सवेरे उठने का आदि हो गया और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र उसे नसीब हो गया। ये अल्लाह वालों का तरीका है। ये हकीकत में काम तो सारे अल्लाह ही बनाता है, लेकिन इन अल्लाह के बंदों का तरीका ये है कि जो लोग अल्लाह के जिक्र को भूल चुके उनके दिल में नए सिरे से ये चराग रोशन करते हैं। हजरत मोहतरम, अब अपनी सफ़े ठीक कर लें क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है और इंशाल्लाह नमाज के बाद किबला हजरत साहब के इरशाद के मुताबिक जो संगी आए हैं इंशाल्लाह।